साथियों नमस्कार। 2 फरवरी के कार्यक्रम के बाद 2 फरवरी में के कार्यक्रम में आप लोगों ने ऐतिहासिक रूप से सहयोग संघ को किया, जिसका परिणाम भी आप लोगों को देखने का मिला। साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अनुभव को जोड़ने को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट सत्र में जो घोषणा की है IAS के पैटर्न पर 1/3 मूल्य के तहत, साथियों ये 1/3 का फॉर्मूला और ये IAS की तर्ज पर अनुभव को जोड़ना ये हमारे लिए घातक है। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आपने देखा भी होगा कि जिस दिन से ये घोषणा हुई है उस दिन से लगातार हम हर तरीके से एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। इसमें चाहे अधिकारियों से मिलना हो या मंत्रियों को हो अवगत कराना हो या सरकार को अवगत कराना हो, हमने हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया। साथ ही इस बार इस आंदोलन को एक नया रूप देने के लिए व इसको एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए हमने अन्य जो 1,10,000 संविदा कर्मी जो इस कैडर में आते हैं उनसे भी हम उनके पदाधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम पूर्ण रूप से अब तक आंदोलन की तैयारी में लगे हुए थे। और साथियों मैं अब आपको कहना चाहूँगा कि 5 तारीख को हम आंदोलन की घोषणा करने वाले थे, ये मैंने कई साथियों को कह भी दिया था इसके संदर्भ में। तब तक हमारी कुछ एक तैयारियां और थी, कई जिलाध्यक्षों से हमें बात करनी थी, वो वार्तालाप हम करते, लेकिन बीच में ही आज जो संदेश एक आज मुझे देखने को मिला 12 तारीख की मीटिंग का, साथियों मैं आप लोगों से फिर एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारी जो मुहिम है, हमारी जो लड़ाई है वह केवल राजस्थान सरकार से, राजस्थान सरकार से हमें केवल अपना स्थायीकरण चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं, इसके बाद कोई बात हमारी नहीं बचती। और साथियों इसी को लेकर ये हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे और आंदोलन की घोषणा करने वाले थे और ऐतिहासिक आंदोलन हम जयपुर की धरा पर करेंगे ये भी निश्चित है। लेकिन जो बीच बीच में जिस तरीके से मुझे जो सूत्रों के माध्यम से जो मुझे पता लगा है अब तक, साथियों यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि 15 या 16 तारीख तक या इसके एक दो दिन आगे पीछे जब 1/3 फॉर्मूले का जब नोटिफिकेशन बाहर आ जाएगा तब हम और आप क्या करेंगे। साथियों मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने बहुत लड़ाइयाँ सरकारों से लड़ी है और अब वक्त है बिल्कुल एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का। और मैं तो कहना चाहूँगा यदि हमारे साथी किसी तरीके से यदि कोई अपनी तरफ से कोई आंदोलन करना चाहते हैं तो मैं केवल अपने साथियों से नहीं पूरे राजस्थान के तमाम संविदा कर्मियों के और बिल्कुल क्लियर खुली बात कहना चाहूँगा कि अब वक्त यह है कि आंदोलन कोई भी लड़े, आंदोलन की घोषणा कोई भी करे, अब आवश्यकता है कि हमें सामूहिक रूप से उस आंदोलन का समर्थन करना। और ये मैं बात फिर कहता हूँ, मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ जो 12 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, केवल इसलिए कि आंदोलन की वही रूपरेखा देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। इसको आप मेरा निवेदन भी समझ लेना और इसको आप मेरी चेतावनी भी समझ लेना। 5 तारीख तक का आपके पास वक्त है। 5 तारीख तक यदि आप आंदोलन की घोषणा करते हो, मैं आपके समक्ष खड़ा होकर ये निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ कि यदि आप आंदोलन की घोषणा करते हो तो पुरजोर तरीके से तन से मन से धन से संघ संघर्ष और समर्पण की भावना से हम आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे और समर्थन करेंगे। और यह मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे आगे से आगे हम आपको मैदान में खड़े भी मिलेंगे। साथियों जो ये हम तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये मुझे तब से लग रहा है जब से हम आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं और तब से हम जब बार बार ये आंदोलन की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अधिकारियों से मंत्रियों से या जिससे भी जहाँ भी हम बात कर रहे हैं या जब हम 1,10,000 संविदा कर्मियों की बात कर रहे हैं, तो जब से ये बात शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं ये सवाल मतलब कई बार मेरे बीच में आ रहे हैं, बीच में आ चुके हैं, मेरे सामने आ चुके हैं कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इनका नेता बनना चाहते हो, अपने संगठन का संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हो या इसलिए। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ साथियों, मुझे कहीं और किसी का भी और किसी भी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनने की आवश्यकता नहीं और ना ही मैं ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कर रहा हूँ। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ
और बता देना चाहता हूँ, अध्यक्ष कोई भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बने, इससे मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति केवल एक चीज से है कि जो 15 साल 16 साल का जो दंश हमारे लोगों ने झेला है, जो संघर्ष हमने किया है, उसका परिणाम इस बार हमें मिलना चाहिए। चाहे वो किसी के भी नेतृत्व में मिले, हम उसका नेतृत्व स्वीकारते हैं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस तरीके से, दोगले तरीके से नहीं कि हम तुम्हें भी नहीं करने देंगे और हम भी नहीं करेंगे, ऐसा मैं इस बार किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। अब इसके लिए भले ही कोई हमारा साथ दे या न दे। साथियों, मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि वर्तमान में जो समय है वो केवल और केवल सरकार से लड़ाई लड़ने का है, न कि आपस में। हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में हम आपस में हमारा आपसी तालमेल खराब हो। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी साथी आंदोलन के लिए उत्तेजित, हमारे अलावा जो उत्तेजित हो रहे हैं, तो उनको कह देना चाहता हूं कि आप अपनी बातों को मन में न रखें, खुले तौर से और खुले भाव से और संघ और संघर्ष की समर्पण की भावना से मैदान में कूदो और आंदोलन की घोषणा करो। निश्चित रूप से हम आपका समर्थन करेंगे। और यदि आप में ये करने का मादा नहीं है, तो मीटिंगों में समय खराब न तो करें, ना तो खुद का समय खराब करें, न और दूसरे का समय खराब करें। और जो मैदान में लड़ना चाहता है और उसके साथ मैदान में खड़े हों, उसका साथ दो, उसका सहयोग दो। किसी तरीके से टांग खिंचाई का प्रयास ना करें। आपको जो करना है, आप जहां अपनी जगह पर जिस तरीके से आप जो अध्यक्ष बने हुए रहना चाह रहे हो, आप खूब बनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको जहां लिखना है अपने आगे अध्यक्षाई लिखनी है, आप खूब लिखो, शौक से लिखो, तरीके से लिखो, मुझे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं। साथियों, मैं तो एक बार फिर आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा और यही अपील करूंगा, बहुत लंबा समय हो गया, अब आपस में लड़ने का समय नहीं, और ना ही कोई ब्लॉक अध्यक्षाई के लिए लड़ने की जरूरत है, ना ही जिला अध्यक्षाई के लिए, ना संभाग के लिए और ना प्रदेश अध्यक्ष। हम तो यूं समझेंगे कि जिस दिन हम स्थायीकरण नीति में हम आ गए, जिस दिन ये जंग हमने फतेह कर ली, सभी प्रकार के अध्यक्ष हम और आप बन गए। तो साथियों, मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, किसी तरीके से समय खराब नहीं करें। और आप लोगों के भी विचार में एक बार सुनना चाहूंगा, मैं इस वीडियो के बाद मैं पूरे प्रदेश के तमाम जो विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक एवं अन्य संविदा कर्मियों को भी, यदि इस पर सहमत हैं तो अपनी सहमति प्रकट करें, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े और लड़ने के लिए हम जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं। साथियों, हमारी आंदोलन की बात को लेकर तमाम जगह जो बातें चल रही है, कि इस तरीके से पहले हम मीटिंग करेंगे, बाद में हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, डीगड़ा करेंगे, मैं समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। यदि आपको लगता है आप में मादा है, मैदान में उतरो, आपके पीछे हम सहर्ष संघ संघर्ष समर्पण की भावना से पीछे खड़े हैं और आपका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं, संघ संघर्ष समर्पण की भावना से पीछे खड़े हैं और आपका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। और अगर आप में मादा नहीं है तो बस आप इंतजार करें और सहयोग देने के लिए तैयार रहें। 5 तारीख से पहले आगे यदि कोई भी विद्यालय सहायक के नाम पर और संविदा कर्मियों के नाम पर यदि आंदोलन की घोषणा करता है, तो मैं खुले तौर से कहता हूं, चाहे वो कोई भी करे, हम मैदान में आपको मिलेंगे, हम उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, पूर्ण रूप से हम उसका समर्थन करते हैं। और यदि अगर आप 5 तारीख से पहले यदि इसी तरीके से समय खराब करने की प्रक्रिया चली, तो 5 तारीख की शाम हम आंदोलन की घोषणा करेंगे। फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कि कौन हमारा साथ देता है और कौन हमारा विरोध करता है, कौन हमारे साथ पीछे खड़ा है और कौन हमारे पीछे नहीं खड़ा।